ये है मंदिर, तो यहाँ गुफा है, तो देखते हैं। मैं भी पहली बार आ रही हूँ, तो आप ये देख सकते हो यहाँ गुफा कैसी है, कैसे हम लोग जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ की गुफा। अब हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाना, मुझे फिसलन भी है यार, फिसलन भी आ रहा। अरे टेढ़ा हो जा थोड़ा, हालत खराब। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यारा नमस्कार, और आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लता ब्लॉग पे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कपलेश्वर, जो हमारे यहाँ से एक कितने घंटे का है? एक घंटा कितना लगेगा? आधा घंटा। तो एक घंटा शायद हमें लग जाएगा, क्योंकि पैदल जाना है। बच्चे हैं, तो हम लोग हैं, ये बच्चे सुबह से तैयार हो रखे हैं, और दो तीन ये लोग हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते भर का हमारा टूर, तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। तो मैं भी कपलेश्वर फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ये लोग तो गए हैं, तो आज मैं भी देख के आऊंगी। ये देखो जो जीव भी आई है, पता नहीं इतना पैदल चलेगी नहीं चलेगी। अभी से एक गोदी पकड़ो कह रही है ये। हाँ, किसी की मम्मी नहीं है। तो सब अभी यहाँ पे किसी के इंतजार में है, और ये है महादेव वाला एरिया। तो आज मैं आपको नई जगह दिखाती हूँ, जो यहाँ के है उनको तो उन लोगों ने देखा होगा, पर जिन लोगों ने यहाँ नहीं देखा इस साइड का, तो मेरे दिखा दूंगी आज, और मैं भी देख लूंगी। और हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए हैं, कई लोग तो वापस भी आ गए हैं, कुछ जा भी रहे भी, और हम लोग भी अभी जा रहे हैं। और धूप लगी हुई है, चढ़ाई है, तो हालत खराब होने वाली है हम लोगों की। तो आ गए हैं जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो वाली है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखो यहाँ का गाँव कितना अच्छा है, गेहूं रखे, हरियाली छाई हुई है। तो यहाँ से देखो थोड़ा प्यारा दिख रहा है, कीड़ा मकोड़ा जैसे घर लग रहा है। तो आप ये रास्ता देख सकते हो कितना चढ़ाई है, खड़ा रास्ता है। तो देखो अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है, ऊपर है। तो ये देखो पहुंच गए हम लोग, और ये है यहाँ का मेला। तो अभी हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, भीड़ भी है काफी ज्यादा। ये है मंदिर, तो यहाँ गुफा है, तो देखते हैं। मैं भी पहली बार आ रही हूँ। तो ये देखो मंदिर में जाने के लिए भीड़, लाइन इतनी लंबी है कि हम तो शायद पहुंचेंगे। और यहाँ छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई है, लग गए, और सबसे लास्ट हम ही लोग हैं, और आगे इतनी लंबी लाइन है कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी नहीं आएगा, शाम हो जाएगी। तो धूप लगी है, हम लोग पट्टा ओढ़ के खड़े हुए हैं, और हमारी वाट लगी है धूप में, जल्दी हम गिर सकते हैं, चक्कर खा गए। तो मंदिर का नंबर तो पता नहीं आता नहीं आता, ये लोग यहीं पे खाने लग गए हैं संतरे बेर बेर। देखो अभी भी यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, कब आएगा हमारा नंबर? तो देखो फाइनली हम अभी मंदिर के गेट पर है, मतलब मंदिर वाले चौखट पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ और है। तो मैं आपको अब पीछे की भीड़ दिखा दूँ कि पीछे कितनी भीड़ अभी भी। तो हमारे पीछे भीड़ तो अभी इतने लोग हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ गुफा कैसी है, कैसे हम लोग जा रहे हैं। एक बार बताएंगे ना, मैं वो करूंगा। चिराग चिराग यहाँ देख, यहाँ तो ये देख सकते हो कितनी छोटी गुफा है, कैसे जा रहे हैं हम लोग, बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, परेशानी भी हो रही है। जा नीचे ऐसा है। तो ये देखो यहाँ का रास्ता, अरे नहीं आ पाती थी, जीव को सज हो जाता।
का दूल इधर आया होगी तो ऑक्सीजन है कमी ले चाहिए नहीं वैसे अच्छा है ऐसा भी नहीं है आज थोड़ा भीड़ भीड़ है तो उससे थोड़ा वो लग रहा है जैसे लोग नहीं होते तो फिर ठीक ही होता आराम से आना चिराग रुक रुक जा रुक जा रुक जा तो ये भी आया हमारा चुटकू सा पुटकू सा कहना कहना मानता है नहीं ये उजाला कर दो प्लीज उजाला दो टॉर्च तो देख सकते हो यहाँ ऐसे मतलब यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इतनी पतली गुफा पतली सी आओगे टॉर्च पीछे लगा दो एक मिनट ये फोन पकड़ टॉर्च लगाना मैं नीचे उतरती हूँ कैसे आऊंगी मैं अब यहाँ बाबा जी रहते हैं और ऐसी है गुफा हालत भी खराब हो गई है हमारी तो यहाँ पहुँच के थोड़ा यहाँ बाबा जी जय हो हे शिव जी रक्षा करा सबका होगा एक ही बात है तूने चाहे तो आप ये देख सकते हो यहाँ की गुफा अब हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाना मुझे फिसलन भी है फिसलन भी आ रहा बापरे गुफा इस दूल्हे में छुपे हुए फोन जेब में रखो फिर नीचे से अरे यहाँ से आओ हाँ अरे टेढ़ा हो जा थोड़ा हालत खराब हो गई मामी की तो आप ये देख सकते हो यहाँ से कैसे आ रहे हैं लोग चलो हम आ गए इतनी देर रुके फल मिल गया हमें गुफा के अंदर आ गए हम लोग मिल गए भगवान जी के दर्शन हो गए हमें यहाँ सिर्फ बाबा जी बैठे थे तो अरे गुफा के अंदर से आ गए कुछ भी नहीं हुआ ये नहीं गई थी क्योंकि ये जीव के साथ बैठी थी और ये पहले गई थी तो इसने मना किया था तो देखो अभी भी भीड़ इतनी लगी हुई है और तो देखो अब तो सारी दुकानें बंद हो गई है हमने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं खाया सीधे मंदिर और ये देखो सारा कूड़ा करके चले गए सारा कूड़ा करके चले गए हैं कल जो जिन लोगों ने कूड़ा रखा है दोबारा वापस आना अपना कूड़ा उठा के जाना अपना कूड़ा उठा के तो ये खा रही है जियो गुलाब जामुन खाया इसने एक एक खेल कर रहे हो रे लोगों का अभी हो रहा है यहाँ पे फोटोशूट आखिर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लगभग अब शाम होने वाली है दिन भी छिपने वाला है तो अब हम जा रहे हैं घर को तो हम लोग आ रहे हैं हम लोगों ने सब लोगों ने मैं बहुत थक चुकी हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा मंदिर के दर्शन के उससे हम लोग वैसा एंजॉय नहीं कर पाए जैसे मेले में कर पाते हैं घूमना खाना पीना ऐसे तो हम लोगों का व्रत था पर बच्चे लोगों को भी वहीं पे सजा जैसी हो गई थी हमारे उससे हमारे साथ ही रह गए थे ये लोग तो कोई नहीं पर हमने ये सोचा था कि इतनी देर रुक गए हैं तो आए हैं तो दर्शन कर लेते हैं मंदिर का तभी पर अच्छा ही हुआ और लास्ट में हम ही लोग हैं शायद ऐसा है कि पूरा डाउन वाला रास्ता ये लोग ऐसे दौड़ के जा रहे हैं बदतमीज जैसे बच्चे कहना ही नहीं मान रहे अच्छा तू ही था दौड़ने वाला ए चिराग वो देखो चिराग को वहां देखो ऐसा ऐसा
बहुत संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि डाउन है पूरा, खड़ा रास्ता है ये। तो अब हम लोग घर जाके करते हैं पूजा पाठ, अंधेरा ही होने वाला है, मम्मी लोग खाना वाना बनाए रहेंगे। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक से एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।